हेलो एंड वेलकम। टुडेज टॉपिक इज ब्लॉकचेन माइनिंग मैकेनिज्म। आज हम समझेंगे ब्लॉकचेन माइनिंग होती क्या है और किस तरह से ब्लॉकचेन माइनिंग की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज ब्लॉकचेन माइनिंग? तो जैसा कि हम जानते हैं, क्रिप्टो करेंसी प्रिंट नहीं की जाती है, इसे बनाना पड़ता है। तो इसी बनाने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं माइनिंग, और जो लोग इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं वो लोग कहलाते हैं ब्लॉकचेन माइनर्स। ब्लॉकचेन माइनिंग का प्रोसीजर कैसा होता है? सिर्फ फॉर एग्जांपल हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक वन और ब्लॉक टू। ये रिलेटेड हैं, ये हमारी करंट ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन के बारे में और जानकारी जानने के लिए आप ऊपर दिए हुए लिंक पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास ये ब्लॉकचेन अवेलेबल है और हमें एक नई क्रिप्टो करेंसी बनानी है, तो हमें क्या करना होगा? हमें एक नए ब्लॉक को बनाना होगा। ये नया ब्लॉक हमें बनाना होगा और इसको हमें हमारी ब्लॉकचेन के साथ ऐड करना होगा, तब जाके हमारी एक नई क्रिप्टो करेंसी बन के आ पाएगी। अब इसी प्रोसीजर को हम लोग कहते हैं ब्लॉकचेन माइनिंग। तो माइनिंग करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है? हमें एक ब्लॉक बनाना पड़ता है। तो ब्लॉक बनाने के लिए क्या होता है, इसी तरह से समझे। मानिए आपको एक ब्लॉक बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस ब्लॉक में आपको कंटेंट स्टोर करने पड़ेंगे। ये कंटेंट्स क्या होते हैं? हमारा कोई भी डेटा हो सकता है, ट्रांजेक्शन हो सकते हैं जो इस ब्लॉकचेन में चल रहे हों या वैलिड हो इस ब्लॉकचेन के लिए। जब वो कंटेंट हमारा फुल हो जाता है या फिर ब्लॉक की कैपेसिटी फुल हो जाती है, ये कैपेसिटी हमारे दो तरह से पता कर सकते हैं। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स, यानी कि हम इस ब्लॉक में करीब 20 ट्रांजेक्शन्स होल्ड कर सकते हैं। या तो आपने इस ब्लॉक में 20 ट्रांजेक्शन्स फिल कर दिए हैं या फिर इस ब्लॉक की कैपेसिटी है 1 MB। इन दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया या जो भी आप क्राइटेरिया रखते हैं, वो क्राइटेरिया जब भी फुलफिल हो जाता है तो हमारा ये ब्लॉक बनके रेडी हो जाता है। इस ब्लॉक को हमें वेरीफाई करना होता है और उसके बाद हमें इस ब्लॉकचेन में इसको ऐड करना होता है। जैसे ही ब्लॉकचेन में हमारा ये ब्लॉक ऐड हो जाता है, तब हम लोग कहते हैं कि हमने एक नई क्रिप्टो करेंसी को माइन कर लिया है। इसी प्रोसेस को ढंग से समझने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपना ये ब्लॉक बनाना शुरू करते हैं, जिस ब्लॉक में हम वेरीफाइड ट्रांजेक्शन्स को होल्ड करते हैं टेम्प्रेरी। इस ब्लॉक को हम लोग करेंटली अभी पूरा ब्लॉक नहीं कह सकते हैं, तो इसलिए हम लोग इसे कहते हैं मेमोरी पूल या फिर इजी भाषा में मेमपूल। ये मेमपूल में हम सारे वेरीफाइड ट्रांजेक्शन्स को होल्ड करते हैं। इन नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, जितने भी वेरीफाइड ट्रांजेक्शन्स हैं उनको हैश, उनके लिए एक यूनिक हैश क्रिएट करते हैं। सो फॉर ट्रांजेक्शन नंबर वन हमारा एक हैश वैल्यू पहले क्रिएट होगा, फॉर ट्रांजेक्शन नंबर टू एक दूसरा हैश वैल्यू क्रिएट होगा, एंड सो ऑन। इस तरह से हमारे सारे ही ट्रांजेक्शन सिक्योर हो जाते हैं। इन नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, सारे ही हैश वैल्यूज़ के लिए एक मर्कल ट्री बनाते हैं। ये मर्कल ट्री के कॉन्सेप्ट को जानने के लिए आप ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, जहाँ पर आप मर्कल ट्री को बहुत ईजी भाषा में समझ पाएंगे। मर्कल ट्री बनाने का रीज़न है कि हमें अपने ब्लॉक के लिए एक मर्कल रूट चाहिए। मर्कल रूट हमारे ब्लॉक को आइडेंटिफाई कराने में हेल्प करता है और उसके सारे कंटेंट्स को वेरीफाई कराने में हमारी हेल्प करता है। तो जब हमारे सारे ट्रांजेक्शन मेमपूल में स्टोर हो जाएंगे, उनकी इंडिविजुअल हैश वैल्यू बन जाएगी और उनसे उनका मर्कल ट्री बन जाएगा, तो हम उसका मर्कल रूट एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट स्टेप, हम लोग जो ये सारा काम कर रहे हैं ये इंडिविजुअली हम ही ना करके बहुत सारे माइनर्स कर रहे होते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ माइनर्स होते हैं जिनमें रेस होती है, और जो भी पहला माइनर हमारे पजल को पहले सॉल्व कर पाता है वो हमारा नया ब्लॉक हमारी ब्लॉकचेन में ऐड कर पाता है। तो जितने सारे ब्लॉक्स पॉसिबल पोटेंशियल न्यू ब्लॉक्स होते हैं, उन सबको हम लोग कहते हैं कैंडिडेट ब्लॉक्स। तो मल्टीपल कैंडिडेट ब्लॉक्स हमारे फाइट करते हैं एक नए ब्लॉक को हमारी ब्लॉकचेन में ऐड करने के लिए। नेक्स्ट काम हमारा होता है, जो भी हमारा ब्लॉक बनके रेडी हो गया है, जहाँ पे सारे ही ट्रांजेक्शन हमने ऐड कर लिए हैं, अब हमें हमारे ब्लॉक के लिए ब्लॉक हेडर बनाना होता है। ब्लॉक हेडर में हमारी ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, जैसे कि समरी ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन डेटा इन द कैंडिडेट ब्लॉक, आपके कैंडिडेट ब्लॉक में जितना भी डेटा था उसकी एक समरी, लिंक ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक, आप इस ब्लॉक को आप ब्लॉकचेन के किस ब्लॉक में ऐड करना चाहते हैं तो आपके प्रीवियस ब्लॉक की का एड्रेस आप यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट इज टाइम स्टैम्प शोइंग द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ द ब्लॉक, आपने इस ब्लॉक को कब क्रिएट किया उसका एक टाइम स्टैम्प, और एक वैलिड प्रूफ ऑफ वर्क। इस पॉइंट को समझने के लिए हम आने वाले लेक्चर में समझेंगे प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है, अदरवाइज इसको भी हम लोग इंक्लूड करते हैं हमारे ब्लॉक के साथ। मूविंग ऑन, आपका जब ब्लॉक हेडर बन जाता है तो हमारा जो ब्लॉक हेडर होता है हम इसको भी एक यूनिक हैश वैल्यू प्रोवाइड कराते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लॉक आइडेंटिफायर। तो आपका ब्लॉक बना होगा, उस ब्लॉक हेडर के लिए आप एक यूनिक ब्लॉक आइडेंटिफायर जो कि एक यूनिक वैल्यू होगी उसको क्रिएट करोगे, जिसको हम हैशिंग के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। यह आइडेंटिफायर आपके ब्लॉक को यूनिकली आइडेंटिफाई कराने में आपकी हेल्प करेगा। आपका
अब आपके पास क्या है, लास्ट स्टेप पे आप पहुंच गए हैं जहाँ पे आपके पास बहुत सारे माइनर्स जो हैं, ये सारे ही माइनर्स आपके अपने 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 ब्लॉक्स को ब्लॉकचेन में ऐड कराने के लिए फाइट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक पज़ल मिलती है, इस पज़ल को जो भी ब्लॉक पहले सॉल्व कर लेता है उसको मौका मिलता है अपने ब्लॉक को ब्लॉकचेन में ऐड करने का। ये पज़ल कुछ भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल आपके पास अपना यूनिक आइडेंटिफाइंग नंबर है और आपको कहा जाएगा आपको एक ऐसा हैश वैल्यू क्रिएट करना है जिसमें फर्स्ट फोर नंबर्स जो हों वो जीरो हों। तो अब आप क्या करेंगे, एक नॉन्स वैल्यू, नॉन्स इज अ नॉनसेंस नंबर, जो एक रैंडम वैल्यू होती है, उसकी वैल्यूज को कम और ज़्यादा करके देखेंगे कि आपका ये जो हैश वैल्यू है ये कब एक फर्स्ट फोर जीरोज में कन्वर्ट होता है। ये काम जो भी जो ब्लॉक सबसे पहले कर लेगा वो ब्लॉक अपने ब्लॉक को ब्लॉकचेन में ऐड करने के लिए वैलिड होगा और वो ही ब्लॉक अपना ब्लॉक ब्लॉकचेन में ऐड कर सकेगा। नाउ फॉर एग्जांपल इस माइनर ने ये काम सबसे पहले कर लिया तो ये अपने ब्लॉक को इस ब्लॉकचेन में ऐड करने के लिए वैलिड है, बट ये ब्लॉक को ऐड कर नहीं पाएगा जब तक कि बाकी बचे हुए वेरीफायर्स इस ब्लॉक को वेरीफाई ना कर दें। वेरीफिकेशन का मतलब है वो ये चेक करेंगे कि ये ब्लॉक सही तरह से क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर बाकी बचे हुए माइनर्स ये ब्लॉक को वेरीफाई कर देते हैं तब हम कहते हैं कि हमारा ब्लॉक बन के रेडी है या फिर वेरीफाइड ब्लॉक है और इसको हम अपने एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन में ऐड कर सकते हैं। तब जाके हमारा ये ब्लॉक हमारी ब्लॉकचेन में ऐड होता है और इस तरह से एक नई क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आती है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज ब्लॉकचेन माइनिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।